आदाब, मैं अब्दुल हकीम गुप्तानी मीडिया से। सर मैं आपका नाम जानना चाहते थे, आपका नाम क्या है? नजर आला, अध्यक्ष ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। सर आप अभी जो बिहार के जो हालात हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए अभी जो बिहार में सियासी हलचल मचा हुआ है, जिसमें हमारे जो सुशासन बाबू वो भाजपा के सामने पूरी तरह से घुटना टेक चुके हैं। लगातार भाजपा ही उनको बौना दिखा रहा है, बौना साबित कर चुका है। सरकार में बीजेपी का डायरेक्ट दखल है। नीतीश जी जो पहले जो उनका रोल होता था वो नहीं दिख रहा। अभी इन दिनों जो हालत है नीतीश जी की, उसमें आप देखिए कल बीजेपी ने गृह सचिव आमिर सुभानी तक को हटाने की बात कर डाली है। तो एक बड़ा सवाल यह है कि नीतीश जी सुशासन के नाम से जाने जाते हैं, बिहार उनके सुशासन के राज में आगे बढ़ा है निश्चित रूप से। तो कहीं ना कहीं इन दिनों जो नीतीश जी की हालत है वो हम लोगों को भी तरस आ रहा है कि नीतीश जी कुर्सी के लोभ में ये सब सहन कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के कुर्सी बचाने के लिए, मुख्यमंत्री बने रहने के लिए। लेकिन अभी जो हालात है उसमें नीतीश जी को कोई ना कोई ठोस कदम उठाना होगा, वरना बिहार में जो उनकी छवि है उसको भाजपा धूमिल करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। तो सर ऐसे हालात में तेजस्वी यादव जो है उसको क्या करना चाहिए? देखिए हम तो बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया, तेजस्वी यादव जी को क्या करना चाहिए। हमें लगता है जिस तरह से बीजेपी नीतीश जी को टारगेट कर रही है, कहीं ना कहीं इसमें बिहार का नुकसान होगा। तो बिहार के हित में तेजस्वी जी को भी चाहिए कि एक बार और चचा को लाएं अपने पाले में और भाजपा पर लगाम लगाएं और सरकार बना करके नए सिरे से मजबूत बिहार, विकसित बिहार बनाने के लिए चचा को लाएं और चचा के साथ सरकार चलाएं। थैंक यू सर। हमारे चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं। Kindly subscribe to our channel Hindustani Media and press the bell icon for the latest updates.